हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ लर्नर श्रेणी नवम पिले। आज वीडियो रे तुम विद्यालय रे जो अर्धवार्षिक परीक्षा हे जो थे पिला माने ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न बा 50 मार्क रो प्रश्न और सब्जेक्ट जो 50 मार्क रो प्रश्न आसे पिला माने जो थे हम जदी स्पेशली हम भौतिक विज्ञान कथा जदी हम आलोचना करबा तबे पिला माने सेथरो गोटे चैप्टर अछि जाना होची बल ओ गति नियम बुझी पार ना पिला माने ए पाठ रो बहुत गुडे सब्जेक्ट प्रश्न तुम देखिया को पाइबो। तो आज वीडियो में कौन आलोचना करवा ना जो बल गति नियम जो जो सब्जेक्ट प्रश्न गुड़िक परीक्षा आसपार जो संभावना अच्छी सिलेक्टेड अच्छी आम गोटे वीडियो में निहत रूप संपूर्ण रूप भल भाव डिस्कस करवा तेणु कहीं मत जमार स्किप करेंगे नहीं समस्त आरंभ शेष पर्यटन देखा ठीक अच्छे। तो चलो स्टार्ट करवा आज आउटे कथ मन रख पाला पाठ जो गाणितिक प्रश्न अच्छी ताको आम डिस्कस करवा तेणु जमा भी स्किप करें ओके। तो चलो स्टार्ट करवा तो पाने दुई मार्क किसी आम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रश्न गुड़क आम डिस्कस करवा पाखापाखि 20 तो देख जड़े फुटबल खेला फुटबल को गोड़े मारी था दलर आउ जड़े खेला पाखक पठाइला जी कि बल गोल पोस्ट आड़ को मारा विपक्ष दलर गोल रक्षक से बल को हाथ धरी पुणी गोड़े मारी तार निज दल जड़े खेला निकट को पठाइला एठारे बॉल रो केते थर आउ केते बेले परिवेगर परिवर्तन होउछि देख प्रश्न टी आउ थे पड़ी जड़े फुटबल खेला फुटबल को गोड़े मारी ता दलर आउ जड़े खेला खेला हम पाखक पठाइला जहाँ पाखक पठाला सी मत कौन कला ना गोल पोस्ट आड़ को सी मारा विपक्ष दलर गोल रक्षक कौन कला ना से बल को आउ थे हाथ में धरी पुणी गोड़े मारी ता निज दलर जड़े खेल निकट को पठाइला तो यठार बल उपते थर आते बेले परिवेग परिवर्तन होइछि। फुटबल खेला गोड़ प्रथम जी मकला तापर तार साथी खेला गोड़ जोटा कि द्वितीय थर होगा तृतीय थर हूँ गोल रक्षक जी कि विपरीत दल रही तार आउ गोटे मेम्बर चार थर होगा तो यहाँ चार थर होगा आउ के समय आम एठे आलोचना करदे। द्वितीय क्वेश्चन गोटे गच्छ को जोर से हलईदे बेले बेले किसी पत्र झड़ पड़े कहीं कौन पर झड़ पड़े गोटे गच्छ को जोर से हलईले गच्छ उपर एक बल क्रियाशील हुए फल गचर डाल और तासह संलग्न पत्र डेम्फ उपर बल क्रियाशील हुए मात्र गचर पत्र तार जड़त्व स्थिरता नियम को सी भूले ना से नियम ही निजक रही चेष्टा करें जहाद्वारा गचर पत्र बेले बेले झड़ी पड़े ओके। यू जड़त्व नियम कहुए प्रश्न नंबर तीन जदि क्रिया और प्रतिक्रिया बलर परिमाण सामान तेज घोड़ा किपर गाड़ी को टाणे जदि क्रिया और प्रतिक्रिया एवरी आक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना कि क्रिया हो आक्शन प्रतिक्रिया हो रिएक्शन जदि आक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जदि परिमाण सामान थाए तो घोड़ा किपर गाड़ी को टाणी थाए घोड़ा गाड़ी को टाणिले घोड़ा गाड़ी उपर बल प्रयोग कै ओके घोड़ा गाड़ी को टाणिले घोड़ा गाड़ी उपर घोड़ा कौन कर बल प्रयोग कर मतलब गाड़ी घोड़ा उपर प्रतिक्रिया बल प्रयोग कै भिन्न भिन्न वस्तु क्रिया बल आ प्रतिक्रिया बल कार्यकारी होतिबारु सेमाने भिन्न भिन्न परिमाण में त्वरण सृष्टि करती तो ये त्वरण पिले माने भिन्न भिन्न आसला बुझी पार्थ ना मीन घोड़ा जो घोड़ा गाड़ी उपर जो बल प्रयोग करा जो त्वरण सृष्टि हो घोड़ा गाड़ी घोड़ा उपर जो बल प्रयोग करा से त्वरण सृष्टि हो अलग अलग त्वरण सृष्टि हे जमीक देख मनकर गोटे बड़ गाड़ी अच्छे आ गए छोट गाड़ी अच्छी जितने एक्सीडेट हुए बड़ गाड़ी साधारण किसी हुए ना कि छोट गाड़ी भांगी जाए तो कौन भांगी जाऊँगी जेहेतु आर आकार छोट आ आर आकार बड़ तो जेहेतु आर आकार बड़ तेणु आ उपर ये जी फोर्स पकई थी फोर्स आठ से त्वरण सृष्टि करना जी त्वरण यही वस्तु उपर सृष्टि यही बड़ गाड़ी द्वारा तापर जी फोर्स पड़ा द्वारा बुझी पार्स जेहेतु आर आकार छोट तेणु आर त्वरण अधिक आसव आर आकार जेहेतु बड़ त्वरण आर कम आसव ओके। तो त्वरण जहाँ अधिक आसव तार अधिक नष्ट हो तार अधिक भांगी थी जार त्वरण कम आसे प्रभाव पड़ न तो ठीक जिनस यहाँ हूँ। चार नंबर प्रश्न निया लिभाली हाथ में धरी मोटा निर्गत नली उच्च परिवेगर जल बाहर बेले से ही नली को भल कर धरवाक असुविधा अनुभव करती यार कारण कौन निया लिभाली मैंने जो फायर स्टेशन रोक मैंने निया लिभापी जो मोटा रंगर जो पाइप आणती जो थ्रु पा बाहर थाए तो जो मैंने धरी थे भल से पूरा जोर से टाणी धरती कौन पाई कहीं कहीं पा जिते स्पीड से आगू जीव
সেতে স্পিডে পছ মধ্যে সে পাইপটা ঠেলু থাকবে তো নিহতি তাকে জোরসে ধরিয়া পড়ব। বস্ত্র পরিবেগ অধিক হলে তোরণ অধিক হুয়ে অর্থাৎ বল মধ্যে অধিক হুয়ে। নিউটনকর তৃতীয় নিয়ম অনুসারে ক্রিয়াবল ও প্রতিক্রিয়া বল সমান বিপরীত তেমন লোকটি অধিক প্রতিক্রিয়া বল অনুভব করব অর্থাৎ পাইপটা পছকু অধিক যাওব তো নিহতি তাকে অধিক জোরসে ভিড়িকি ধরিয়া পড়ব। পাঁচ নম্বর প্রশ্ন, বসর ছাতরে রখা যাওয়া জিনিসক ভালোভাবে দৌড়ে বন্ধ যায় কী? কিন বসটি চাল বেড়ে উচ্চা নিচ খালা ডিপ উপরে সে যাব যাহাদ্বারা গাড়ির জড়ত্বরে প্রভাব আসবে কিন্তু গাড়ি উপরে যে সামানগুড়ি থাকে সে স্থির রাখা চেষ্টা করবে। যদি ন ভিড়া হয়ে তবে সেগুলো কোণ হব না তলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকছে এথিপে বসর ছাতরে থাকা জিনিসগুলি ভালোভাবে দৌড়ে বন্ধা যায়। ওকে, নেক্সট কোশ্চিন, ডঙ্গার কূলক ডেইবা বেড়ে ডঙ্গা পছটি ঘুঞ্চে। তুমি তো এর ফটো নিহতি বহির দেখিথ গোটে লোক যদি ডঙ্গার গোটে কূলক যে ডেউছি ডেইলা আসি অটোমেটিক ডঙ্গাটা কোণ হচ্ছে না টিকি পছকু পড়ুছি। এটা মধ্যে নিউটন তৃতীয় নিয়ম হি কাম দেছি। ডঙ্গার কূলক ডেইবা আমি গোড় দ্বারা ডঙ্গা উপরে যে বল প্রয়োগ করু তাহা ক্রিয়াবল হল এর প্রতিক্রিয়া বল স্বরূপ আমি আগুক যাচ্ছু আসে ক্রিয়াবল যোগ ডঙ্গাটা পছকু যাচ্ছি। এই ক্রিয়াবল পরিণাম স্বরূপ সমান পরিমাণের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল ডঙ্গা আমাদ উপরে পকাই আমি আগুক যাইপার। আমার যেহেতু ওজন কম থাকে তেমন আমি আমার ক্ষেত্রে অধিক তোরণ সৃষ্টি হুয়ে কিন্তু ডঙ্গার ওজন অধিক থাকে আমার অপেক্ষা তেমন সেটা কম তোরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে বলে আমি কইপার। সাত নম্বর প্রশ্ন, হাতুড়ি সাহায্যে এক কণ্টা কান্থরে পিটিয়া বেড়ে হাতুড়ি পছকু ঘুঞ্চি যায়। ওকে, হাতুড়ি সাহায্যে এক গণ্টা কান্থরে পিটিয়া বেড়ে হাতুড়ি টিকি পছকু ঘুঞ্চাওছি কী? সেই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যোগ কান্থরে হাতুড়ি দ্বারা কণ্টা উপরে ক্রিয়াবল কাজ করে যা ফলে কণ্টা কান্থ ভিতর প্রবেশ করে। এই সময় বিপদমুখী প্রতিক্রিয়া বল কণ্টা দ্বারা হাতুড়ি উপরে মধ্যে পড়ে যাই হাতুড়িটা মধ্যে পছকু ঘুঞ্চি যাই থাকে। আট নম্বর প্রশ্ন, ক্রিকেট খেলার জনে ক্ষেত্ররক্ষক বলকু ক্যাচ করার সময় হাতকু ক্রমশ তলকু খসাই নেবার কারণ কোণ হয়ে পার। দেখ, ক্রিকেট ম্যাচে ক্ষেত্ররক্ষক উচ্চর খসুবা ক্রিকেট বলকু ক্যাচ কলাবেলে পাপুলি মধ্যে বলকু ধরি পাপুলিকে ক্রমশ তলকু খসাই নিয়ন্তি। এহাদ্বারা বলর পরিবেগরে আউ পরিমাণ হ্রাস শূন্য হওয়ার অধিক সময় লাগে অর্থাৎ যে বলটা তলকু আসুব যদি সি অল্প সময় ভিতরে যদি শূন্য হয়ে যাব বলে অর্থাৎ টাইম এটা কমিগলা যদি টাইম কমিযোগ তো তার খারাপ প্রভাব সেই কেজ ধরুয়া বলর উপরে পড়ব যেটা কি তাকে বহুত আঘাত দেব কিন্তু এই বলর স্পিডটা যদি জিরো হওয়ার অধিক সময় নব যদি টাইম অধিক হল তো অটোমেটিক সেটা কোণ হব না মোমেন্টমটা কমিযোগ। ওকে, যাহাদ্বারা ক্ষেত্ররক্ষক বা ফিল্ডিং যে করুব বা যে বলটা ধরুব তাকে কৌশি আঘাত হব না। ন নম্বর প্রশ্ন, বস্তুর জড়ত্ব বস্তুর কিপর সম্পর্কিত বুঝাও। বস্তুর জড়ত্ব সহ বস্তুর বস্তুত্ব কিপর সম্পর্কিত? দেখ, গোটে বস্তুর বস্তুত তার জড়ত্বর পরিমাপক, এর অর্থ যাহার বস্তুত অধিক তার জড়ত্ব অধিক। গোটে বস্তুর বস্তুত যেতে অধিক তাহার জড়ত্বরে মধ্যে পরিবর্তন পাই সে অধিক বল আবশ্যক করে। যেমিটি কুহালা যদি গোটে বড় ট্রক রখা যাই তাকে যদি আমি ঘুঞ্চাইব অছি যেহেতু এর বস্তুত অধিক তেমন এর জড়ত্ব মধ্যে অধিক তেমন সে স্থির হয়ে রুহে তাকে যদি ঘুঞ্চাইব অছি বলে আমাকে অধিক বল প্রয়োগ করার পড়ব। কিন্তু গোটে ছোটিয়া যদি গাড়ি অছি তাকে আমাকে যেহেতু তার ওজন কম অটে বা বস্তুত কম অটে তেমন তাকে যদি আমাকে টিকি ঘুঞ্চার বা মুভমেন্ট করার অছি তো সেটারে কম বল প্রয়োগ কলে চলে যাব। তো এটা বুঝা পড়ে বস্তুত সহ জড়ত্বর ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। ওকে, দশম প্রশ্ন, কারে গতি করুক সময় যাত্রী মানুষ সুরক্ষা বেল্ট বাঁধবাকে পরামর্শ দিয়া যায় কী? কিন গতিশীল কার হঠাৎ ব্রেক ধরলে যাত্রী জড়ত্ব গুণ যোগ আগুক ঝুঁকি পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুরক্ষা বেল্ট আমার শরীরকে দৃঢ় ভাবে বাঁধি রাখে ও চলন্তা কার হঠাৎ ব্রেক ধরলে মধ্যে সুরক্ষিত বেল্ট যাত্রীকে আগুক ঝুঁকি পড়া দিয়ে না ফলত যাত্রী গতিশীল কার মধ্যে সুরক্ষিত রয়ে থাকে। তো দেখ পিলা মানে এটি অছি এগার নম্বর প্রশ্ন দেখি পড়ুব, ক্যারম গুটি গুড়ি ক্যারম বোর্ড মধ্যে এক স্তম্ভ পরি সজাই ক্যারম বোর্ডর গোটে পার্শ্বর স্তম্ভর তল গুটি স্ট্রাইক দ্বারা আঘাত কলে কোণ হব আহকি? যুড়া সহ পিলা মানে তুমি অলরেডি পরিচিত অছ, ক্যারম গুটির স্তম্ভর তল তল গোটি স্ট্রাইক দ্বারা আঘাত কলে কেবল তল গোটিটা আগে বাহার যাব অন্য যাক জিন্স ইন্দি রহব আসিকি পুনি আউটে স্তম্ভ সি তৈরি করদেব কী না স্ট্রাইকর কেবল তল গোটি উপরে বল প্রয়োগ করে অন্য গোটি গুড়ি উপরে কোণ বাহ্য বল প্রয়োগ কলা না তেমন সেগুলি জড়ত্ব নিয়ম যোগ ভুলম্বসিত ভাবে রহবে। ওকে, বার নম্বর প্রশ্ন, দশ কেজি বস্তুতর এক কাঠ বাক্স অসেসেমি উচ্চতার খসি পড়া ভূমিকে আঘাত করার সময় কেতে সম্ভাব্য ভূমিকে সৃষ্টি করছি বা সে মুভমেন্ট বা এমো বাহার কর বলে সে আমাকে কইছে।
ओके आम जानी जे मोमेंटम को साधारण एम नए पी द्वारा भी निया जाए ओके साधारण आम पी लिखिप पी इक्वल टू एम भी अर्थात मास इंटू वेलोसिटी बुझीपना मोमेंटम इक्वल टू गोटे वस्तु मास मीन तार वस्तु के तार सी के वेलोसिटी आसार कहगला गोटे वस्तुर वस्तुत होते ना तार कहगला 10 के जी कहला तो एम इक्वल दे 10 के जी ओके भी अर्थ कौन ना वेलोसिटी एटे वेलोसिटी कि आसो ना से देख ये दूरता देला 80 सेमी बुझीपना ये वेलोसिटी तो आम बाहर करापूर्व आम एति जाना दरकार जे ये जी इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वयर यहाँ हूँ पे तोरण बा पृथ्वीर माध्याकर्षण सहित तोरण अटे देख गोटे वस्तु देला 10 के जी ओके प्रारंभिक बेग के प्रारंभिक बेग थिला 0 बुझीपना से आमको फाइनाल आमको फाइनाल बेग बाहर कर शेष परिवेग बाहर करार अच्छी तप दूरता देते दूरता देमको के 80 सेमी देना कि यहाँ पे 80 हाँ कथा टी भूल 80 सेमी हम तो दूरता इक्वल टू 80 सेमी जोटा कि 80 बाय 100 मीटर तो मीटर अणाला जोटा कि 0.8 मीटर अटे तोरण के तोरण जहाँ माध्याकर्षण जंत तोरण भी ता जोटा कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जेहतु वस्तु आड़े पे मैंने उपरू ग्राउंड को आसी तेणु एटे तोरण पॉजिटिव निगला जदि वस्तुटा को जो आम यूर को फिंगी था तो यहाँ माइनस आम नहीं था ओके देखा गोटे सूत्र अच्छे भि स्क्वेयर इक्वल टू भि स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2GS बा 2A अच्छे तो ए जगह जी पकड़ यू अर्थ कौन ना प्रारंभिक परिवेग जोटा कि शून्य था टू को टू पकड़े जी जगह पकड़े 10 होगा आउ एस जगह पकड़े 0.8 आपको हिसाब कल आसा 16 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर मीनस वेलोसिटी स्क्वेयर इक्वल ये तो खाली वेलोसिटी के आसे ना 4 मीटर पर सेकेंड आसो तो अंतिम परिवेग आसा 4 बुझीपार्च आम संवेग सूत्र हूँ कौन ना मास इंटू वेलोसिटी वस्तु गुणन वेलोसिटी वेलोसिटी के आसला एडे 4 आसला तो 10 को 40 के जी पर मीटर पर सेकेंड बुझीपार्च तो ये आसला 4 के जी पर मीटर पर सेकेंड यहाँ हूँ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जदि गोटे वस्तु 72 न्यूटन बा एफ इक्वल जदि 72 हुए प्रयोग हेबारु से वस्तु तोरण सृष्टि होगा एतिक अर्थात ए इक्वल 24 सेमी पर मीटर स्क्वायर ए माने सेमी पर सेकेंड स्क्वायर ओके ते वस्त्र वस्तुत के बस आमको पचार एम बाहर कर आम जानी जे एफ इक्वल कौन एफ इक्वल टू एम ए जानी आम ना कि फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन आमको एक्सेलरेशन दे दी आमको यठार फोर्स भी दे दी मास पचार तो मास सूत्र कौन आसो मास सूत्र आसो बल बाई तोरण तो देख ये बल बाई तोरण को आम हरदबा बुझीपना ओके मात्र देख ये जो तोरण दे पाने से सेमी पर सेकेंड स्क्वेयर देती आपको आम आने पड़े मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को बुझीपार तो 24 सेमी पर मीटर स्क्वेयर को जब आम मीटर 24 सेमी पर सेकेंड स्क्वेयर जब आम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आने तो कौन कराव ना से आम किसी हिसाब किताब करने को पड़ा जमीक 100 हरा ही तो 24 सेमी पर सेकेंड स्क्वेयर को जब मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को आने अच्छी तो 100 हरा हम 100 हरला के आसला 0.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो आम तोरण ए होती कि एफ हो तो आराम से हरदब ना कि कौन हरदब ना एफ इक्वल टू सूत्र हूँ एम ए तो एम इक्वल के आसे ना एफ बाई ए एफ के ना एफ हूँ 72 ए आसला के 0.24 सब मन रख तो यूनिट को गोटे एक मानने गोटे सामान रखापे चेषा कर असमान कर हिसाब करदे भूल तो 72 जो 0.24 हरले तो आसे ना 300 आसला 300 के जी तो वस्तु वस्तु हूँ के 300 के जी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न प्रदत्त वस्तु मध्य तुलनात्मक भाव कहार जड़त बेसी कहार जड़त बेसी तो जार ओजन अधिक थी तार जड़त मत अधिक थी सामान आकार और आकृति विशिष्ट रबर बल आ लुहा गोलक सामान आकार हो रबर बल आ लुहा गोलक ये भितर कह जड़त अधिक आसो ना निहत लुहार आसो ना कि बस आउ ट्रेन भितर ट्रेन आसो 5 टंका मुद्रा आठना भितर 5 टंका मुद्रा आसो ना कि जिन लेखा देख लुहार अधिक जड़त अच्छी ट्रेन अधिक आठ 5 टंका मुद्रा जड़त अधिक आसो नहीं जार वस्तु अधिक तार जड़त अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्यों क्षेत्र में अधिक बल आवश्यक पड़े 2 KG वस्तुर वस्तु विशिष्ट वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तोरण सृष्टि करने ना 4 KG वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तोरण सृष्टि करने क्यों अधिक बल आवश्यक पड़े तो देख जब प्रथम देखा वस्तु हूँ 2 KG तोरण हूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एफ इक्वल के आसा मास इंटू एक्सेलरेशन तो एम के आसा 2.5×10 न्यूटन आसला द्वितीय सिचुएशन 4 अच्छे 2 अच्छे 4×8 आसो तो देख प्रथम अर्डर आसला 10 न्यूटन द्वितीय आसला 8 न्यूटन तो सी कहला क्यों अधिक बल सृष्टि हो ना प्रथम रेगा हम ना कि तो 2 KG वस्तु जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो तोरण सृष्टि कराव एटा अधिक बल आवश्यक पड़े
नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 10 ग्राम एक वस्तु समपरिवेग रे तळ को खसिले वस्तु डी उपरे मोटो केते बल कार्यकारी हेबो हाउ पिला माने गोटे वस्तु तो देसी 10 ग्राम बा एम इक्वल 10 ग्राम समपरिवेग रे तळ को खसिला माने ऊपर तळ को खसिला तो सेटा तुरंत ऑटोमेटिक प्लस आसीबो बुझि पारतो ना मात्र कहले जे समपरिवेग रे गति करछिले कोइते का समपरिवेग रे अर्थ होची मनकर प्रथमे मनकर से 40 स्पीड थियो बेले तापर मद से 40 स्पीड आ करबो आमे आगरु पढिछे जे गोटे वस्तु 40 स्पीड रु 50 स्पीड के जाउची मन 5 सेकंड रे बेले 50 और 40 फेरले आसीओ केते 10 आसीओ 10 बाय मन सेति करयो 5 सेकंड लागिस तो 10 बाय 5 किंतु एठार तो कहला 40 स्पीड एबो अछि कि सम परबंत से 40 स्पीड आगा तो 40 रु 40 जदि हम फेडिया मींस अंतिम परिवेग रु प्रारंभिक परिवेग जदि फेडिबा आसीओ शून्य तो सेथि में एठार पिलान देखो शून्य पकाई छि ओके वस्तु देला 10 ग्राम एडा पिलान 10 एडा ग्राम हो एडा 100 ने 10 ग्राम आ आसला हमर तुरना आसला एगो 0 ओके तो 10 ग्राम एक वस्तु सम परिवेग रे तळ को खसिले मोटो केते बल हबो तो एफ इक्वल सूत्र कोन ना एम ए बुझि पाछ ना एम हला 10 ए हला 0 10 0 0 अत सेटे बल मते 0 किछि बल आवश्यक पडिबो नै तो वस्तु उपर कोनसे बल कार्य करिवो नाही ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन स्थिर थिबा एक वस्तुर वस्तु तो गोटे वस्तु स्थिर अछि से समय तार वस्तु होत 300 ग्राम ए वस्तु को 4 मीटर लंबर एक मसरुण टेबुल पृष्ठ रे गोटे प्रांत अनेक प्रांत लंबा भाव नेबारे 4 सेकंड पर उक्त वस्त्र बेग एति हला मीन गोटे टेबुल अच्छी तापर गोटे वस्तु को आम गड़ेबा मानने ओके तो गड़ेला जोटा कि लंबा हो 4 मीटर अटे वस्त्र ओजन हो 300 ग्राम तो यही प्रांत यही प्रांत को आसापाइक 4 सेकेंड समय लगे आते स्पीड ये आसला से आक्वायर करदेला 2 मीटर पर सेकेंड इतने आवश्यक तो आपके बड़ आवश्यक पड़ थो तो देख हाँ डाटा दे जाकर लिखिद वस्तु देला 300 ग्राम जोटा कि केजी में कन्वर्ट कले सुंदर सुंदर 3 केजी आसो प्रारंभिक परिवेग 0 अंतिम परिवेग देला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम हो 4 सेकेंड से आमको पचार कौन ना फोर्स बाहर करने पूर्व आम आग तुरण बाहर करदे तुरण सूत्र कौन ना अंतिम परिवेग भाई प्रारंभिक परिवेग आवश्यक थी समय तो 2 रु 0 फेड़ हे 4 गोटे अर्थात 0 से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एति तुरण सृष्टि से वस्तु उपर आम बल सूत्र कौन ना फोर्स इक्वल मास इन एक्सेलरेशन मास हो के 0 से 3 केजी एक्सेलरेशन आसला 0 से 5 तो हिसाब कर 0 से 1.5 न्यूटन आसला ओके एटिक आसो आंसर तो तापर पिला माने 18, 19, 20, 21 चारटा नंबर रहा आउट अच्छे 22टा बोले आ 4 नंबर 5 नंबर रहा बुझल कि यहाँ मुझे करी ना यहाँ तुम्हें निजे कर आ कमेंट बक्स कमेंट कर उत्तर मुझे देखेबी ना केवल प्रश्न गुड़िक देखेबी यहाँ तुम होमवर्क अटे ओके देख 200 ग्राम वस्तुतर एक क्रिकेट बल 0 से 8 मीटर पर सेकेंड परिवेग गति करूला गोटे खेला यहाँ 5 सेकेंड स्थिर वस्त्र आणला खेला के प्रतिरोध बल प्रयोग कला भिडियो को पज कर स्क्रीनशॉट कर दियो आपको पढ़ पढ़ी आंसर कमेंट बॉक्स रे दबो नेक्स्ट देखो 20 केजी गोटे वस्तु उपर 100 न्यूटन रोटे बल प्रयोग कले के समय पर्यटन कार्य कले तार परिवेग 100 मीटर पर सेकेंड हम ओके स्क्रीनशॉट मार दियो नेक्स्ट क्वेश्चन जड़े खेला जड़े हॉकी खेला आड़ को 200 ग्राम एक हॉकी बल 15 मीटर पर सेकेंड परिवेग गड़ी आसला बेले खेला जनक हॉकी बैट रे से बॉलटी को प्रहार कर तार गतिर दिगक ओलटाई दे आसता पथर में पुणी पठाईदे हॉकी बॉल रे संवेग केते परिमाण खर्च होला तो स्क्रीनशॉट मार आंसर दियो 200 केजी वस्तुतर एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर परिवेग गति कर 4 सेकेंड परते बल प्रयोग कले तार परिवेग 20 मीटर पर सेकेंड को वृद्धि पाइब लास्ट क्वेश्चन न्यूटन का द्वितीय नियम को कहीं प्रकृत गति नियम कहा जाए तो यहाँ मैं लिख ओके तो पिला यही प्रकार थी आम आज क्लास नेक्स्ट क्लास आम अनेक सब्जेक्ट पढ़ा तो पिला जब भिडियो भल लगी तो निहत रूप गोटे लाइक कर निजर समस्त सांसद भितर सेयर कर आज जब यह चैनल को सब्सक्राइब कर निहत सब्सक्राइब कर।